देखो कोई बच्चा कचरे पे पड़ा हुआ मिले ना, अब दो आदमियों में फटा हो गया, एक कह रहा है मैं इसको पालूंगा, दूसरा कह रहा है मैं। बाज दफा होता है ना कोई वलद जिना बच्चे होते हैं, औरत कचरे पे फेंक के चली जाती है। अब दो आदमी आ गए, कह रहा है मुझे दो, दूसरा कह रहा है मुझे दो, तो गवर्नमेंट दोनों में से एक को देगी। तो उलमा ने लिखा है कि अगर कोई ये कह देना मैं इसका बाप हूं तो आंखें बंद करके उसको दे दिया जाएगा। इस तहकीक में नहीं जाना जाएगा कि ये बाप कैसे हो गया, हालांकि अकल के खिलाफ है। तू बाप है तो कचरे में बच्चा क्या कर रहा है? इसलिए मान लिया जाएगा इसका दावा कि भाई इसमें बच्चे का फायदा है, हालांकि वहां भी यकीन है कि इसका बाप होता तो फड्डा क्यों कर रहा होता? एक घंटे के बाद तूने दावा किया मैं इसका क्या हूं, बाप हूं। हम कहते हैं मान लो बस तेरा बेटा ही। ये कहे कि मेरा बेटा नहीं है तो फिर हम कहेंगे नहीं है, लेकिन जब ये मुंह से बोल रहा है मैं इसका बाप हूं तो बगैर दलील के इसको इसका बाप माना जाएगा, क्योंकि इस्लाम में बच्चे के लिए बाप लेस होना बहुत बड़ा ऐब है। तो बच्चे के फायदे के लिए कुछ इलॉजिकल काम इस्लाम में क्या बन जाते हैं, लॉजिकल, लॉजिक के बन। इसकी मिसाल ऐसे है, झूठ बोलना कितना बुरा अमल है, अच्छा काम है, लेकिन हदीस में आता है मियां बीवी के दरमियान सुलह कराने के लिए या दो मुसलमान भाइयों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना सिर्फ जायज नहीं, हदीस का मफहूम क्या है, मुतरशर यही होता है, सवाब है। लैसल कज़्ज़ाबुल लज़ी यकदिबु लियुस्लिहा बैनन नास, वो शख्स झूठा नहीं है जो इसलिए झूठ बोले ताकि दो लोगों के दरमियान सुलह करा दे। अब झूठ तो गलत काम है, लेकिन भाई इस गलत काम का नतीजा बड़ा खानदानी निकल रहा है, ये उस सच से अच्छा है जो लोगों को लड़वाने में। अब कितने लोग जाके बीवी को सच बोले तुम्हारे मियाँ के ना फलानी आंटी से ताल्लुकात हैं, तो इस सच से नतीजा क्या निकल रहा है? मियाँ बीवी को लड़वा रहे, अब तो ताल्लुकात है तो छुपा लेता, अलग से जाके मियाँ को समझाता इंसान का बच्चा बन जा वरना भाभी को शिकायत लगाऊंगा तेरी, जाके डायरेक्ट उसको बता रहे जाके, या बीवी का कुछ उल्टा सीधा मसला डायरेक्ट शोहर को जाके, भाई पहले उसको समझाओ। बात सच ऐसे होते हैं जो माशरे में फसाद का जरिया बनते हैं, बात झूठ ऐसे होते हैं जो माशरे में, अगरचे इसमें उलमा का इख्तलाफ है, सरी झूठ बोला जाएगा या घुमा फिरा के झूठ बोला जाएगा ये एक अलग मसला है, लेकिन गोल बात ही की जाएगी, प्रॉपर सच नहीं बोला जाएगा ऐसे मौके पर। तो इसी तरह शरीयत ने बोला कि भाई कचरे में बच्चा मिला है, ये फिका की किताबों में मसला लिखा है और ये कुरान और सुन्नत ही से मुस्तंबत किया है। ये मेरे बात कंप्लीट हो जाए ना, वरना ये इंजीनियर की सुन्नत आधा चलाते हैं, बहुत नालायक लोग हैं, पूरा चलाते नहीं है ये लोग। तो अब शरीयत में ये है कि भाई एक आदमी कह रहा है ना मेरा बच्चा, तो उसको दे दिया जाएगा, कि वजह उसकी क्या है यार, इसका बाप मान लो। सवाल पैदा होता है इसमें ओरिजिनल बाप का तो मसला होगा, तो भाई हम कहते हैं ओरिजिनल आए ना, कोई और दावा करे कि मेरा है, फिर हम इससे दलील, दोनों से दलील मांगेंगे, फिर डीएनए भी होगा, बहुत कुछ होगा। जब तक ओरिजिनल बाप खामोश है तो बच्चे को बाप लेस होने से बचाने के लिए किसके खाते में डाल देंगे, जो दावा कर रहा है उसके खाते में डाल देंगे, समझते हो? तो इसलिए इस्लाम ने ये हदीस है, बुखारी की हदीस है, अल वलदु लिल फिराश वलिल आहिर लिल हिजर, फरमाया जो जिना करने वाला है उसको बच्चा नहीं मिलेगा, बच्चा उसी को मिलेगा जिसकी बीवी के पेट से जन्म दिया गया है, उसके खाते में डाला जाएगा अगरचे जिना से हो। हाँ वो कह दे मेरा नहीं है, फिर हम कहेंगे भाई, क्योंकि वो कहेगा कि इस आप बच्चे का तो फायदा देख रहे हो कि उसको बाप दे रहे हो, मेरा फायदा नहीं देख रहा, मेरा है नहीं मैं मान लूं, तो हम कहेंगे आप बोल दो नहीं है आपका, ठीक है ना, आपको किसने कहा? वो बोल नहीं रहा, झेलम से आवाज आ रही है, झेलम कह रहा है कि इसका नहीं है, डीएनए से पता, डीएनए से भी नहीं, डीएनए करने की इजाजत ही नहीं होगी ऐसे मौके पे, समझ रहे हो? क्योंकि डीएनए का नतीजा क्या निकलेगा, आप शक में डाल रहे हो उसको, इस्लाम कह रहे डीएनए भी नहीं छोड़ो, बस इसको किसके खाते में डालो, बाप के खाते में। तो वलदु ज़िना होना एक बहुत बड़ा ऐब है बच्चे के लिए, तो वलदु ज़िना होने के ताने से बचाने के लिए तो कोई भी दावा कर देगा तो हम उसके दावे को कबूल कर लेंगे, ताकि इसको बाप की नेमत मिले, चाहे जिंदा बाप हो मरा हुआ बाप हो, गुमशुदा बाप हो, है तो ना बाप। और अगर हम इसके दावे को कबूल नहीं करते तो इसका मतलब साफ आप इसको वलदु ज़िना कह रहे हो, तो वलदु ज़िना जानी बाप नहीं हो सकता किसी कीमत पे, इस्लाम उसको बाप नहीं मानता, तो इसका मतलब बच्चा बाप लेस है, यानी वलदु ज़िना है। वलदु ज़िना होना अंग्रेज के नजदीक ऐब नहीं है, हमारे नजदीक बहुत बड़ा है। तो ये सारी तकरीरें इंजीनियर के समझ में भी नहीं आएंगी, इसका जवाब देना तो दूर की बात है।